लगता है लोगों को कि इन्फ्लुएंसर है इसे बातचीत करना नहीं आता होगा इसे अपना स्टैंड लेना नहीं आता होगा हैंडसम लड़के को हम छेड़ भी नहीं सकते क्या ये वो भला मस्त है ये मेरे को मेरे को तब उसने बोली थी वो टाइम पे कि मैं ओ कर रही हूँ बिग बॉस भला अच्छा तो भाला सही है तो फील कर देगी ऐसी जैसी है तो वैसी रहना कैसे वंगे? अब तुम तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार है ना वाट लग जाएगी <laughs> ऐसा नहीं है लास्ट टाइम हुआ था सीजन में कि uh, कि कोई आया किसी पे कि तूने मेरे मेरे साथ साथ ये किया मैं सिंह आपकी होस्ट और और दोस्त हैं हैं विशाल जो बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं, क्या धमाल मचाएंगे या हम इनसे ही सो so, विशाल फर्स्टली तो uh, कैसे हैं आप मैं बहुत मस्त हूँ क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी एं? कितना रेडी हो चुके आप अंदर जाने के लिए स्ट्रैटी uh, जैसे मैंने मैं बोला हूँ मैं आई डोंट बिलीव इन मेकिंग स्ट्रैटीज ऐसा नहीं है कि हम uh, कुछ टास्क कर रहे हैं ये एक बिग बॉस बो, बिग बॉस का घर है दिस इज योर पर्सनालिटी थिंग आई एम नॉट स्ट्रेटेजाइजिंग इट एनीथिंग बस मेरा इतना है कि मैं अपने मुद्दे पे रहूँगा अगर क्योंकि हमें मैं ऐसा ही हूँ अगर मुझे जो चीज़ सही लगती है उस पर मैं खड़ा रहता हूँ तो यही बात है मैं अपने मुद्दे से तो नहीं हट सकता मैं अपने स्टैंड बिकॉज आई बिलीव इन माई स्टैंड तो अगर भले पूरा घर मेरे खिलाफ है और मैं अकेला हूँ वो स्टैंड पे तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता दूसरी एक चीज़ ये है बस ये कुछ कोर पॉइंट्स है जो मेरी पर्सनालिटी है जो मैं रखने वाला हूँ और दूसरा ऐसा है कि मुझे दर बदलू लोग बिल्कुल नहीं पसंद है तो वो मेरा है कि आप अगर आप जो थाली में खा रहे हो आप वो थाली में छेद नहीं कर सकते ये एक ये जीवन का रूल है अगर आप मेरे साथ बैठ के खा रहे हो तो आप पीछे जाके मेरी बुराई नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझे मेरे अंदर नहीं है क्योंकि -क्यों वो चीज़ आई आई डोंट बिलीव आई बिलीव इन स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स आई बिलीव इन की कंपेनियनशिप होती है एक इंसान की किसी के साथ एक uh, एक आपका वाइफ बैठ रही है एक बंदा आपको ट्रस्ट कर रहा है तो ट्रस्ट ब्रेक करना आई थिंक सबसे बुरी बात होती है बिकॉज आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन तो मैं अपनी लॉयल्टी लेके जाऊँगा साथ में अंदर बाकी क्या होता है अंदर कैसे होता है uh, देखता है कोई सीजन फॉलो किया मतलब दो तीन सीजन देखा है मैंने मैंने सिद्धार्थ का सीजन देखा है Uh, मैंने गौतम गुलाटी का थोड़ा बहुत देखा है मैंने डॉली बिंद्रा वाला देखा है और लास्ट ईयर जो ओ आया था आशिका मनीषा ये लोग थे तो उनके लिए देखा है तो देखा हो मैंने थोड़ा बहुत इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप इससे पहले भी आ, पिछले सीजन के लिए आप अप्रोच किए गए थे बट आपका जाना नहीं हुआ था जी। क्या रीजन था वो छोड़ो पुरानी बातें पुरानी हो गई अभी नई बातें करते हैं अब तो जा रहा हो ना तो पुरानी बातों का करके क्या मतलब है कि क्यों नहीं हुआ अरे या नहीं ठीक है इस मेरे ख्याल से वही है कि बिग बॉस का बुलावा आता है जब बिग बॉस का बुलावा आता है तब जाते हैं तो किसी भी रीजन की वजह से नहीं हुआ बट इस बारी हो गया एंड आई आई कॉन्फिडेंट एंड आई होप अगर सबका मेरे ऑडियंस का भी प्यार रहा मेरे साथ और तो विल के इट सो विशाल एक बात काफ़ी चर्चा में रहती है हमेशा से ये सोशल मीडिया हो न्यूज़ हो हर जगह इन्फ्लुंसर जो हैं बिग बॉस से जुड़ने के बाद और ज़्यादा मतलब लोगों के बीच चर्चा में रहने लगे हैं एक अलग पहचान मिल गई है इन्फ्लुएंसर्स को बिग बॉस की वजह से इस बात में आप कितना लाइक like, इसको मानते हैं नहीं सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं है आ, ये तो जो भी गया है अंदर और जिसने भी अच्छा गेम खेला है उसको मिली है और आई गेस ये दिस आई आई डोंट थिंक दिस इज़ एनीथिंग रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसर्स या फिर क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी के वाइज होता है मेरे ख्याल से आपकी अगर अच्छी पर्सनैलिटी लोग आपको पसंद करेंगे बिकॉज इन दी एंड लोगों क्या अच्छा लगता है कि ये इंसान कैसा है समझ लो तो अगर इंसान अच्छा है तो लोग तो पसंद करेंगे ही करेंगे उसको तो वैसा सीन है और जहाँ तक रही बात इन्फ्लुएंसर्स कि मुझे यही मोल्ड तोड़ना है जाके बिकॉज ऐसा लगता है लोगों को कि इन्फ्लुएंसर है इसे बातचीत करना नहीं आता होगा इसे अपना स्टैंड लेना नहीं आता होगा तो मेरा एक ही ये मेन रीज़न है करने का कि टू प्रूव रॉन्ग इट्स नॉट लाइक दैट हमें वी नो द वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंस सो और एक तरीके से देखा जाए तो मैं एक अपने पूरे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ वहाँ पे तो आई होप टू मेक देम प्राउड या आपसे पहले जो इन्फ्लुंसर्स गए हुए हैं ऑलरेडी किसका गेम आपको पसंद आया था एंड किसका एक कहते हैं ना एक और बना लेना वो किसका पसंद आया अभिषेक का गेम अच्छा था uh... बुद्ध अभिषेक अभिषेक कुमार भी और फुकरा इंसान भी मनोहर का गेम अच्छा था स्टार्टिंग थोड़ा स्लो किए होते थी ना बाद में ही अप, सो इट वॉज रियली नाइस मनोवर ने अच्छा खेला तो अभिषेक मनीषा रानी भी एंटरटेनमेंट एंटरटेन करी थी जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है तो उस एंड शी इज़ लाइक दैट ओनली वो ऐसी है वो हम भी जब फ्लाइट पे मिले थे तो ऐसी थी कि बोली <laughs> बोलती है, मैं हैंडसम लड़का देख के हम रह नहीं पाए मतलब पाया तो पहली बार मिली है मुझसे जस्ट मैंने और मेरे से ना कैसी है वो मैं कान में हेडफोन लगा हुआ था तो हेडफोन निकला निकला के बात कर रही थी हैंडसम लड़के को हम छेड़ भी नहीं सकते क्या ये वो मतलब मस्त है ये और मेरे को मेरे को तब उसने बोली थी वो टाइम पे कि मैं ओ कर रही हूँ बिग बॉस मतलब अच्छा तो माला सही है तू तो क्लियर कर देगी ऐसी जैसी है तो वैसी रहना इस बार कितना टाइम लिया आपने हाँ कहने के लिए कि हाँ चलो मैं पक्का इस बार आने ही वाला हूँ अंदर कितना टाइम लगा आपको एंड किससे किससे डिस्कस करना पड़ा आपको कि हाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं नहीं मेरे ख्याल से ये पूरा डिसीजन मेरा रहता अगर मुझे कोई चीज़ करनी है नहीं करनी है मैं मैं उसमें फिर किसी का राय नहीं लेता मैं बताता हूँ कि मैंने ये सोचा है और मैं कर रहा हूँ फिर अगर आप अपना वो अपना एक मेरे पेरेंट्स हो मेरी फैमिली हो मेरे, मेरे फ्रेंड्स हो फिर अगर अपना वो ओपिनियन दे रहे तो वो ओपिनियन मैं अच्छे से सुनता हूँ उसके रिस्पेक्ट भी करता हूँ बट एट इन दी एंड वो बस मेरा डिसीजन रहता है कि मुझे करना है और क्या नहीं करना है तो और इस चीज़ पर मेरे को मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी ज़्यादा छिड़ते हैं मुझसे कि सिर्फ खुद की करता ही है ये सिर्फ खुद की करता है दूसरों की नहीं सुनता सिर्फ खुद मतलब क्या कर सकते हैं बचपन से वैसा ही हूँ मैं उसको बदल तो नहीं सकते कि मेरे को जो ठीक लगता है वो जो मेरे लिए सही है वो सही है मेरे को अगर लगता सही है तो मैं उसके लिए खड़े रहता हूँ फिर पिछले सीजन में आपने देखा होगा कि एक्सेस को भी बुलाया जाता है या अगर आपका है किसी के साथ आ, कोई आपका गर्लफ्रेंड रही होगी कोई वो भी आ सकती है शो में इस चीज़ के लिए कितना तैयार है आप कैसे सोचा ही नहीं है, है ना वॉट लग जाए <laughs> ऐसा नहीं है लेकिन जहां तक मेरी पास रिलेशनशिप्स मेरी जितनी गर्लफ्रेंड रही हैं वो ये फील्ड से नहीं रही नहीं है okay. तो आई डोंट थिंक उनको कुछ मतलब होगा उस चीज से बट फील्ड कोई भी हो लेकिन नहीं दे आर लाइक वेरी एक तो सी द थिंग इज आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली ठीक है सो आई हैव अ वेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग आई हैव अ वेरी मिडिल क्लास वैल्यूज इन मी तो जितने भी मेरे रिलेशनशिप रिलेशनशिप्स रहे हैं तो वो उनके लोगों के साथ कॉलेज में कोई है तो दे आर नॉट वेरी उनको कैमरे के सामने आना नहीं अच्छा लगता समझ और ये तो भाई पूरा 24 घंटे कैमरा है

Uh, कि कोई आया किसी पे कि तूने मेरे साथ ये किया बट आई हैव नॉट आई एम नॉट चीटेड एनीवन एवर इन माय लाइफ आई हैव नॉट डन एनीथिंग बैड टू एनीवन सो आई डोंट थिंक कि मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे तो अगर करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा फिर बट विशाल जब वो सीन आपने देखा था जैसे आपने जिक्र किया भी जब अचानक से एंट्री हुई थी घर में

बिल्कुल भी नहीं <laughs> तो कैसे करने वाले मम्मी से कुछ प्रैक्टिस लिया आपने खाना बना बनाने की नहीं नहीं मैं 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 घर पे भी पे भी इनको बिग बॉस में बता रहा कुछ भी करूंगा मैं बाथरूम नहीं साफ करने वाला बोला हमको क्या वो मैं हैंडल कर लूंगा बट मैं वो चीज़ तो मैं नहीं करूंगा मैं खाना बना लूंगा मैं अब कोई खाना बना रहेगा बाजू मटी सब्जी काट सकता हूँ मैं काट लूंगा उसको कुछ चाहिए रहेगा वो दे दूंगा बर्तन थोड़ा साफ कर दूंगा बेड वेड बना दूंगा बट ये तो नहीं होगा बाकी अगर अगर इन केस अगर कोई टास्क मिला आपको जैसे आपने देखा होगा मिर्ची फेंकने का टास्क होता है बकेट छुपा दिया जाता है बहुत सारी चीज होते हैं देखा होगा आपने झगड़े होते ही है ये हर सीजन का है स्विमिंग पूल में कई बार धक्का दे दिया जाता है दूसरे तो को ये सब चीज़ों के लिए कितने तैयार है आप मैं बहुत तैयार हूँ तुम करो मैं साथ मैं भी करूँगा तुम्हारे साथ मैं <laughs> <laughs> मेरा मैं अपने दोस्तों के साथ गलत नहीं कर सकता कभी अगर कोई मेरा दोस्त नहीं है और वो को बिन फालतू की चीजें किए जा रहा तो मैं फिर वैसा नहीं भाई, भाई हूँ इसके अलावा अगर आप बात किया जाए कोई ऐसा टास्क जिससे आप शायद डरेंगे या जो टास्क करने के लिए आप बहुत ज्यादा के अंदर होता है पता नहीं यार मिर्ची वाला तो ये हर साल होता है

मैं वैसा आई एम वेरी एक्सप्रेसिव कि अगर मुझे बुरा लग रहा है फिर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे फेस पे दिख जाएगा इसको बहुत गुस्सा आ रहा है तो सब मुझे प्रिटेंट तो नहीं होता तो आई थिंक मैं एक रियल रहना रह होंगे बहुत लोग और दूसरा मेरे को ये दिखाने कि आप यू डोंट नीड टू किप फाइटिंग ऑल द टाइम टू बी यू नो या आप सही जगह लड़ो yeah. जहाँ पे आपका हक बनता है लड़ने का और जहाँ पे आपका कोई दोस्त फंस रहा है या फिर कुछ सही में ऐसा मुद्दा है जहाँ पे आपका बोलना बहुत जरूरी है वहाँ बोलो आप बिन फालतू का वो सब तो लगता है मेरे को also, इस सीजन सलमान सर होस्ट नहीं है वो सुनकर कैसा लगा था एंड क्या आप सिलेक्टेड हो गए थे जब आपको पता चला कि सलमान सर होस्ट नहीं है तो क्या रिएक्शन था आपका अब कौन रहेगा फिर डेफिनेटली ये तो ही होगा क्वेश्चन नहीं मुझे तो मैं बहुत ज्यादा फिर दिल टूटा फिर कोई नहीं फिर अनिल सर का आया और उनसे मैं कुछ टाइम पहले ही मिला था फाइटर के सेट वेट पर सेट पे बोल रहा हूँ फाइटर के प्रमोशन उस पर तो यार मस्त आदमी है फुल एनर्जी में ये फुल बिड़ू क्या कैसा करने का मेरे को बोलता है अभी तुम मेरे को देखना भाई तेरे को देख रहा हो तो माला सही है, मजा आएगी तो मस्त अच्छा है yes, बाकी जो जो एक्स कंटेस्टेंट्स रहे हैं उनसे कोई टिप्स मिली आपको जिनको पता है कि आप जा रहे हो कोई भी तरह का आपने टिप्स लिया है कि अंदर मैंने क्या किसी को नहीं बताया okay. कि मैं जा रहा हूं तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव ओके okay. एंड बाकी आपके दो फ्रेंड्स जो तीन तिगाड़ा का जो आप लोगों को मिला है टैग समीक्षा एंड भावि ओके उनका क्या रिएक्शन था बहुत खुश, okay. बहुत खुश है ओके बहुत खुश है दे वेरी हैप्पी लाइक कि फाड़ दियो एक्स कंटेस्टेंट से मुझे अभिषेक का मैसेज आया था ओके तो दो दिन पहले तो ही वाज लाइक भाई

थोड़ा बहुत न्यूज आता था मेरे को मैं सुनता था कि अच्छा ऐसा हुआ है वैसा हुआ है ये मैंने सुना जरूर है कि ये हुआ है पड़ी है ये और मैं बहुत खुश था मतलब ठीक है यार एक नंबर अपना दोस्त अच्छा कर रहा है तो वो चीज़ अच्छी है बट मैं सच बोल मैंने देखा नहीं है मैं झूठ क्यों बोलूँ यार मनीषा से भी आप मिले थे जैसे कि आपने बताया था तो मनीषा को, को कोई मैसेज आया आपको या मनीषा को पता नहीं है कि आप नहीं जा रहे हो नहीं मुझे मैसेज तो नहीं आया ओके तो मैं भी पता नहीं होगा मनीषा को यस yes. इसके अलावा अगर बात करेंगे और भी सना का नाम आया है और भी ऐसे बहुत सारे हर्षद का नाम आ रहा है अच्छा। साई केतन राव का नाम आ रहा है कि ये लोग भी जाने वाले क्या क्या इनमें से किसी को भी जानते हैं आप सना सुल्तान की बात कर रही हैं yes. आप सना सुल्तान को जानता हूँ बाकी किसी को नहीं जानता हूँ And... जानता मतलब वी आर नॉट लाइक सोशली मिले हम yes. अच्छी लड़की है सना सो so, सोविशाल इसमें जो एक्ट्रेस का भी नाम है जैसे साई केतन राव है हर्षद चोपड़ा का भी नाम आ रहा है कि वो भी रहेंगे वो तो अब टेलीकास्ट होने के बाद पता चलेगा अंदर किसी भी तरह का ऐसा थोड़ा भी ऐसा डर है कि हाँ मतलब एक्ट्रेस के बीच में कहीं मैं ओवर शेडो ना हो जाऊँ आपको अपना गेम खेलने आता है गेम में जैसे बोला गेम है ही नहीं मेरा मेरे को ऐसा है कि मेरे को ये सब डर नहीं है कि आ, मैं ओवर शेडो हो जाऊँगा या फिर क्योंकि टचवुड एक तो जो मेरी मेरी फैमिली मेरे फैंस जो हैं दे लव मी अलॉट टू गेट ओवर शेडोड यू नो मैं कुछ भी कर ले वो उनका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होता और मैं बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्र गुजार हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे सच में, में को दिल से प्यार करते हैं तो आई गेस मेरा सपोर्ट तो रहेगा एंड जहाँ तक रही बात ओवर शैडो होने की तो नहीं मुझे नहीं लगता nice. है कितने जोड़े कपड़े लेकर जा रहे हो आप बिकॉज बोलो मैंने पैकिंग बिल्कुल नहीं लिया बट ऐसा दिमाग में कुछ है कि हाँ मुझे इतने कपड़े लेके जाने हैं अब मैं ना सच मैं क्या है। बड़ा, मुझे घर में देखोगे ना, मेरे से ज्यादा स... <laughs> <laughs> कच्चे बनियान में रहता कोई नहीं रहता समझ रो मैं सिर्फ मेरे तुम मेरा चड्डा एक नॉर्मल लूज टी शर्ट या फिर गंजी दे दो मैं उसमें खुश रहता हूँ बहुत बाहर जा रहा हूँ कहीं तो मैंने जहां तक मैंने सोचा हूँ तो मैंने सिर्फ वीकेंड के वार के लिए कपड़े सोचे मैंने मतलब बाकी तो तू तो मेरे को ये लोग मेरे टीम बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होता विशाल आप एक ट्रैक में तीन दिन नहीं रह सकते आप एक चीज में दो दिन नहीं रह सकते तो मतलब ठीक है तुम लोग कर लो फिर अपने हिसाब से बट yes. uh, आप कैसे टाइप के पर्सन है मतलब जैसे आपने देखा होगा बिग बॉस हाउस में कि एकदम बन ठन के रहना पड़ता है सुबह नहा लो लो सब उसके बाद रेडी हो जाओ पूरा रेडी होना पड़ता है आपको बिकॉज आप 24 घंटे कैमरे के सामने रहेंगे अम, अब, से पता कैसे कि रहेंगे? मैं कैसा हूं, मैं के उठ के डायरेक्ट इंटरव्यू देने आया हूँ तो इसीलिए हम लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा <laughs> सो so, और मम्मी के हाथों का क्या लेकर जाने वाले हो और लेके ले जा सकते हैं मतलब कुछ तो आप लेकर हाँ। जा सकते हो साथ में एंड yes. कोई आपकी मतलब फोटो फ्रेम हुआ फैमिली का या कुछ एक ऐसी कोई चीज़ होती है ना जो आप साथ में कैरी कर सकते हो तो आप क्या लेकर जाने वाले हो कोई अपने बप, आ, कोई बप्पा की मूर्ति ले जाता सब है सब कोई है ये एक चीज आप कोई भी लेके जा सकते हो येस तो क्या वो चीज रहेगी जिसके बिना आप नहीं रह सकते और वो साथ में कैरी करने वाले हो आप देखो मैं भगवान का तो ऐसा है कि बप्पा मेरे को मालूम मेरे साथ हैं तो वो गॉड इज़ एवरीवेयर वेयर आप उनको एक जगह नहीं रख सकते गॉड इज़ एवरीवेयर तो मतलब मैं माताजी को माताजी में माताजी और शिवजी में बहुत मानता हूँ मैं तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि और मैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा मंदिर जाके प्रे करता हूँ नहीं मैं जहाँ भी रहता हूँ जिधर भी हूँ अगर मैं यहाँ भी बैठा बैठाऊँ तो मैं दो मिनट का टाइम लेके ऐसा mm -hmm. उनको याद करता हूँ कि थैंक यू सो मच आई एम ग्रेटफुल तो नहीं और फैमिली फ़ोटो भी नहीं क्योंकि फैमिली फ़ोटो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है क्योंकि

मैं खिलाऊंगा आप आप लोग को। sure, ज़रूर ज़रूर लेकर आना हम खाने आएंगे। विशाल आपका relationship status क्या है? क्या अंदर आपको कोई पसंद आ जाए, so, आया तो देखते हैं मतलब yeah. तो थोड़ी, है, तो तो थोड़ी अलग है <laughs> uh, मुझे घरेलू लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है अब मुझे तो देखते हैं पता नहीं एंड में तो मम्मी डिसाइड करेगी ये ये बात <laughs> है मम्मी लेके आएगी मम्मी आपकी कितनी रेडी है बिकॉज़ uh, मैंने जो व्लॉग्स देखे जो वी रील्स में भी कई बार देखा है आप बहुत क्लोज है आपकी मम्मी से भले आप वो नहीं दिखाए सामने बट बत... मेरी मेरी मम्मी भी जैसे रील्स में बहुत कमाई है मैं फोटो में मेरी मम्मी बहुत शर्माती है yes.

पता नहीं यार मतलब मेरा ऐसा है कि मम्मी का यही बोलना था कि पहले तो क्या तू शूट उठ पे जाता तो बात हो जाती थी अब तो बात नहीं होगी तेरे खाने पीने का क्या मम्मी लोग तो एक ही रहता है ना मम्मी लोग ऐसा रहता है कि बस मेरा बच्चा खा ले बस कहीं भी रहे बस खाए रहे फिर कुछ भी करे कोई स्ट्रेस नहीं है विशाल ऑल द बेस्ट अंदर जाकर एकदम फाड़ कर आना आप क्या विश देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए जो शायद आपको अंदर देखकर शॉक हो जाएंगे जिन्हें नहीं पता है मोस्टली तो किसी को नहीं पता है नहीं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए बिकॉज ये मैसेज ही आप आपका जो मैसेज है बाद में बाद में उन तक पहुंचने वाला है तो गाइस मेरे विशालियंस और जो भी नए लोग आ, मुझे पसंद करने लगे हैं आप लोग से एक ही दरख्वास्त है कि आप लोग ने को मेरे चार साल चार से पाँच साल लाइफ के बहुत सपोर्ट किया है और दिल से प्यार दिया तो बस मेरा आपको ये बोलना है कि प्लीज़ मुझे दिल से प्यार देना क्योंकि मैं आई प्रोमिस क्योंकि मैं दिल से खेलूंगा थैंक यू सो मच विशाल एंड ऑल द वेरी बेस्ट ट्रॉफी लेकर आना आप बिल्कुल आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब फुल कॉन्फिडेंस आ चुका है सो गाइस देख सकते हैं आप विशाल का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है तो मतलब घर के अंदर जाकर वो एकदम एकदम धमाल मचाने वाले हम ऐसा नहीं कहेंगे तोड़फोड़ करेंगे वो तो वक्त बताएगा धमाल <laughs> तो जरूर मचाएंगे सो गाइस कीप लविंग हिम और वो तो करते ही रहे ना जैसे उन्होंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर दी थैंक यू सो मच